सो यहाँ पे कब तक पुश किया जाएगा हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 का अपग्रेड, क्योंकि यहाँ पे बाकी की कंपनी जैसे कि वीवो, ओप्पो, सैमसंग, इन्होंने ऑलरेडी पुश करने स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन शाओमी कंपनी ने अभी तक एंड्रॉयड 15 का स्टेबल अपडेट किसी भी डिवाइस में रिलीज़ नहीं किया है, और यहाँ तक कि इस बार किसी भी फ्लैगशिप के स्मार्टफोन में भी देखने के लिए नहीं मिला है। सो यहाँ पे एंड्रॉयड 15 ग्लोबल चाइना के लिए 4 शाओमी स्मार्टफोन्स के लिए यहाँ पे स्पॉटेड हो चुके हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से रीजन्स के लिए, कौन कौन से बिल्ड में यहाँ पे स्पॉटेड हो चुके हैं, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, और इसी के साथ कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 के अपग्रेड के लिए। सो यहाँ पे हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 सबसे पहले रेडमी K60 अल्ट्रा के लिए यहाँ पे स्पॉटेड हो चुका है, जिसका कोर नेम हमें कोरोट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे एंड्रॉयड 15 है, और ये वाला स्कोर यहाँ पे सेप्टेम्बर 19, 2024 को स्पॉटेड कर लिया गया था, और ये चाइना रीजन के लिए है क्योंकि इसका मॉडल यहाँ पे लास्ट में सी से ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पे चाइना रीजन के लिए हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 को सक्सेसफुली स्पॉटेड कर लिया है, या आप कह सकते हैं हाइपर ओएस 2.0 बेटा अपडेट को यहाँ पर स्पॉटेड कर लिया है। सो ये यहाँ पे फर्स्ट शाओमी डिवाइस बन जाता है, और जैसा कि रेडमी K60 अल्ट्रा हाइपर ओएस एक्सपीरियंस एनहांस्ड बेटा में भी अवेलेबल है, और यहाँ पे रेडमी K60 अल्ट्रा के बाद अगला स्मार्टफोन है रेडमी K70e, यानी कि पोको X6 प्रो चाइना वेरिएंट, और ये चाइना वेरिएंट के लिए एंड्रॉयड 15 यहाँ पे स्पॉटेड हो चुका है, जिसको यहाँ पे 30 अगस्त को सक्सेसफुली स्पॉटेड कर लिया गया था रेडमी K70e के लिए। सो रेडमी K70e के लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट 1.0.18.0 का आ चुका है सेप्टेम्बर सिक्योरिटी पैच के साथ, और इसी के साथ अक्टूबर से नवंबर के मंथ में हाइपर ओएस 2.0 एंड्रॉयड 15 का फर्स्ट अपग्रेड भी हम सभी को देखने के लिए मिल सकता है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर हाइपर ओएस 2.0 फॉर रेडमी K70e? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड अगला डिवाइस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसका मॉडल 2312 है, और ये यहाँ पे रेडमी नोट 13 4G है, और इसका भी एंड्रॉयड 15 22 अगस्त को स्पॉटेड कर लिया गया था। सो यहाँ पे रेडमी नोट 13 4G ग्लोबल रीजन के लिए भी एंड्रॉयड 15 को यहाँ पे स्पॉटेड कर लिया गया है। अगला स्मार्टफोन है रेडमी नोट 12 4G, जिसका कोड नेम हमें यहाँ पे ट्रपाज देखने के लिए मिलता है, और इसके लिए भी हाइपर ओएस एंड्रॉयड 15 का मेजर अपग्रेड यहाँ पे सक्सेसफुली स्पॉटेड कर लिया है, और ये रेडमी नोट 12 सीरीज में से पहला स्मार्टफोन है जिसमें एंड्रॉयड 15 देखने के लिए मिलेगा। रेडमी नोट 12 5G सीरीज़ में एंड्रॉयड 14 लास्ट ही हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। सो क्या आप यहाँ पे रेडमी नोट 12, रेडमी नोट 13, रेडमी K70e एंड रेडमी K60 अल्ट्रा हाइपर ओएस 2.0 एंड्रॉयड 15 के लिए एक्साइटेड हैं? सो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएं, क्योंकि जब भी इन अपडेट्स को यहाँ पे पुश किया जाएगा इसके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ।